हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आशा करती हूँ तो आप ठीक होंगे। तो हम आपको एक ऐसा काजल बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही आंखों में लाभदायक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैं इसके कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। पहले, नीम की पत्ते आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फ़ायदा करती हैं, और अमरूद के पत्ते भी रोशनी को बढ़ाने में काम करता है और अमरूद के पत्ते भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में काम करता है और अनार के पत्ते आंखों के रोग को ठीक करने के लिए कार्य करता है। तो इन पत्तों में बहुत लाभ है। और जो नींबू का पत्ता है, तो नींबू के रस की बूंदें या एक महीने में एक बार आँख में डालने से कभी आंखें नहीं दुखती हैं, आँखों के दर्द में लाभ मिलता है। तो चलिए इस पत्ती को हम सारे को तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये काजल बनाने से बहुत फ़ायदा है। जो मार्केट में लेते हैं वो बहुत, उसमें केमिकल होता है जो बहुत नुकसानदायक होता है, उसमें कांच भी मिले होते हैं। तो इसे हमने इस मशीन में डालेंगे और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें कर लेंगे। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इसे हम इस प्लेट में डालेंगे। कपास लेंगे या रुई लें और इसे हम इसके अंदर डालेंगे। हमने एक कपूर लिया है, कपूर को हम इसमें थोड़ा मिलाएंगे जिससे आँख में ये ठंडक देती हैं। तो कपूर को हम थोड़ा पीस लेंगे। काजल आँखों को बहुत लाभ पहुँचाएगा, और जो आपकी आँखें दर्द करती या आँखों से आंसू आते हैं या लाल रहती हैं, इसे लगाने से बहुत आराम मिलेगा। इस काजल को बना के ज़रूर इस्तेमाल करें। और घर पर बनाया हुआ काजल बहुत शुद्ध होता है, इस पर हम कोई केमिकल भी नहीं मिलाते हैं, और हम देख भी लेते हैं कि ये काजल कैसे बना है। और इससे जो काजल बनेगा जो बहुत ही अच्छा होगा और आँखों को भी बहुत आराम देता है। और इस पर हम एक दो बूंद घी भी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हमने मिक्स कर दिया है। और इसे हम कपास लेंगे और इसको कपास के अंदर डालेंगे और इसकी बाती बनाएंगे हम। इसके अंदर अच्छे से भरेंगे और इसे दबाएंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे बाती बनाएंगे इसकी। और दूसरे वाले में भी हम इतना ही, दूसरी बातें भी ऐसे ही बना लेंगे। इसको भी उसी तरह डालेंगे इसके अंदर, और बन गई हमारी बाती। और तो इसको हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। इसे कम से कम 3-4 घंटे तो सूखने लग जाते हैं, और हमारी बाती सूख चुकी है। हम इसे ले आए हैं अंदर, छत से मैंने सूखने के लिए रखा था। अब इसके लिए हमने एक दिया लिया है और इस पे हम सरसों का तेल डालेंगे। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है ताकि कोई कचरा भी ना रहे। मैंने दूसरा भी लिया है, मैंने तेल डाला है, दूसरा खाली है। तो मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे क्या करना है। तो इस बाती को मैं इसमें तेल में डुबो दूँगी और अच्छे से इसे हम डुबो देंगे तेल में। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है आँखों को। और इसे हम जलाएंगे और इस दिए को
हमने जला दिया है और एक दिया ऊपर रख दिया है ताकि इसका धुआं है जो उस दूसरे दिए पे जाए और उस पे काजल इकट्ठा हो जाए। आप चाहे तो इसकी जगह थाली रख सकते हैं, थाली में रखेंगे तो उस पे आपको ज़्यादा काजल पड़ेगा, तो मैंने थाली ना लेकर ये दिया लिया है। काजल हमारा बन चुका है, मैंने इसे निकाल लिया है तो इसमें काजल थोड़ा ही पड़ा है, बाकी उड़ गया है। मैं इसकी जगह थाली रखती तो ज़्यादा काजल पड़ता, तो आप इसकी जगह आप थाली लें। मैं इसे अच्छे से कागज़ लेके निकाल रही हूँ। यार इसमें अब थोड़ा काजल है लेकिन ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, मैंने बस वीडियो बनाने के लिए बनाया था। तो देखिए ये काजल इतना हुआ है, तो आप मेरी सलाह माने तो इसकी जगह थाली लें तो आपका काजल बहुत ज़्यादा होगा। मैंने एक डिब्बी ली है उस पर डाल दिया है। मैं इस पर तेल अभी मतलब तेल या घी अभी नहीं मिलाऊंगी, नहीं तो जितना काजल है वो तो थाली में रह जाएगा। मैंने डिब्बी में डाल दिया है और इस पे ही मैं घी डालूंगी एक दो बूंद, मैंने दो चार बूंदें घी डाल दी है। आप थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालें नहीं तो काजल भी गीला हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस पे और हमारा काजल बन के तैयार हो चुका है।